अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किया गया शहीदों को नमन। कासगंज संवाददाता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई कासगंज द्वारा शहीद दिवस के उपलक्ष्य में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष डॉक्टर भारती वार्ष्णेय के नेतृत्व में शहीदों को नमन करते हुए भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए तथा उनके नाम के दीप प्रज्वलित किए। नगर अध्यक्ष डॉक्टर भारती वार्ष्णेय ने कहा कि भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आजादी के लिए वीर सपूतों भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु, सुखदेव ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी थी। इन तीनों महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। नगर मंत्री यश मिश्रा ने कहा कि अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए उन्होंने पब्लिक सेफ्टी ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिलर्स के विरोध में सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च को वह दिन था जब अंग्रेजी सरकार ने देश के तीन वीर सपूतों को फांसी दी थी। श्रद्धांजलि देने वालों में नगर अध्यक्ष डॉक्टर भारती वार्ष्णेय, नगर मंत्री यश मिश्रा, अमित जोशी, तेजेंद्र लोधी, देव त्रिपुणायत, मोनिका मुस्कान, मीतपाल, भविष्य अग्रवाल, दीपक, राहुल आदि लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। कासगंज के शहीद स्तंभों पर पहुंचे हैं, क्या किया गया है आज? जैसा कि आप सब जानते हो, आज 23 मार्च है। आज के दिन राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों स्वतंत्रता सेनानियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था और हमारी भारत माँ जो अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ी हुई थी उसको आयत्त कराने के लिए ये कदम, जो कहते हैं स्वतंत्रता की जो चिंगारी फूटी थी वो इन्हीं सभी स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत थी। आज हम विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता और पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद यह दिवस शहीद दिवस के रूप में मनाती आ रही है और मैं इन स्वतंत्रता सेनानियों को विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत बहुत नमन करता है। भारत माता की जय।